है, यही करना चाहिए। ये लोग एसी वेसी में जाते हैं और इसमें जाओ कभी मजा है। हाथ धोने के लिए जाए, सॉरी इसको धोना नहीं बोल सकते, ऐसे पवित्र हो जाता, पवित्र हो जाता। गुड आफ्टरनून, तुषार राज लोहिया फिट सबके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है दोस्तों, ये मेरा लाइफ का पहला व्लॉग वीडियो है। तो आज का वीडियो का मकसद रहेगा कि हाउ टू ट्रैवल इन वेरी लेस ऑफ मनी। तो मैं आप सबको आज एक बहुत ही बढ़िया जगह पे लेने जाने वाला हूँ जिसका नाम है खाटूश्याम महाराज। तकरीबन अहमदाबाद से 800 किलोमीटर पड़ता है। तो आज का टॉपिक का मेन मोटो रहेगा कि अहमदाबाद से खाटूश्याम ओनली 1000 रुपीज। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, तो ये डिटेल्स जानने के लिए पूरे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। सबसे पहले हमें अहमदाबाद से, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मैं BRTS पकड़ूंगा और वहाँ से जाऊँगा साबरमती रेलवे स्टेशन। साबरमती रेलवे स्टेशन से रिंगास नाम के जंक्शन पे एक ट्रेन चलती है। तो रिंगास जंक्शन से तकरीबन 5 किलोमीटर होता है खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर। तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ का अप्रोक्स किराया 20-25 रुपये होता है BRTS में, और साबरमती रेलवे स्टेशन से ट्रेन का किराया होता है 195 रुपीज़। तो हमारी जर्नी की जो खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर है वहाँ पे जो आदमी अपनी लाइफ में हार गया होता है, थक गया होता है, अगर वो वहाँ जाता है तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ऐसा मानते हैं सब लोग कि वहाँ जाने के बाद अगर उनकी भगवान की ब्लेसिंग मिल गई तो आपकी तकदीर भी चेंज हो सकती है। हमने काफ़ी सुना है कि हमारे सबकी किस्मत लिखी होती है, कि जो हमारी किस्मत लिखा है वो होने ही वाला होता है। लेकिन ये खाटू श्याम जी महाराज मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर उनकी कृपा हो गई तो आपकी नसीब में जो लिखा है वो भी बदल सकता है। तो आज मैं वही करने जा रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड। तो हम पार्सु भाई को बाय बाय करते हैं। पार्सु भाई, पार्सु टाटा, पापा जा रहे हैं खाटू श्याम, पापा को स्माइल करो। स्माइल करो पापा को, बाय बाय, टाटा करो, टाटा टाटा करो, टाटा करो। BRTS में जाने के लिए हम निकल चुके हैं। ये छोड़ने आ रही है माय लवली स्वीट वाइफ स्मिता। तो हेलो, चलो बाय बाय, मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम, आपके लिए कुछ मांगना है। चलो मेरी बस आ गई शायद, मैं बैठ जाता हूँ। टाटा बाय बाय। आप BRTS की टिकट बुक करनी हो तो भी डायरेक्ट पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हो। मैं अहमदाबाद रहने वाला हूँ, आपको यहाँ पे मैं जहाँ से जा रहा हूँ उसका जगह का नाम है वैकुंठ धाम मंदिर। तो मैं यहाँ से सर्च मारूँगा वैकुंठ धाम मंदिर। मैं अभी BRTS बस स्टैंड हूँ, यहाँ से मुझे तकरीबन 20 रुपये का भाड़ा लगेगा। जो सबसे पहला अपने 1000 रुपये का पार्ट है, 20 रुपये यहाँ से साबरमती जाने का 20 रुपये भाड़ा है BRTS। सो एक सरप्राइजिंग चीज़ हो रही है हमारे साथ। पहले मेरा प्लान था ओनली सिंगल सोलो ट्रैवलिंग का, लेकिन हमारे साथ जो खाटू श्याम जी का मंदिर का बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दिए वो भाई रविराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत ही मजा आएगा, हम दोनों साथ में ट्रैवलिंग करेंगे। सो अभी हम साबरमती जो रेलवे स्टेशन वहाँ पहुँच चुके हैं, हमारी ट्रेन भी ऑलरेडी लग चुकी है। अभी हम ट्रेन में बैठ के आपको वीडियो दिखा रहे हैं। हम साबरमती जंक्शन पहुँच चुके हैं, यहाँ से तकरीबन अहमदाबाद से 6:45 को हमारी ट्रेन उठेगी जिसका नाम है साबरमती हरिद्वार स्पेशल ट्रेन है और उसका जनरल का किराया है 195 रुपीज़। तो अभी तक हमारा खर्चा हो चुका है 195 प्लस 20 रुपीज़, यानी कि 205, ओनली 205 में हम खाटू श्याम मंदिर तक पहुंच जाए। अभी हमारी ये ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे, अभी तकरीबन 10 मिनट के बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी हमारी गाड़ी में इंजन लग रहा है, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं जो कि हम ओनली 1000 रुपीज़ में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यह है कि हम जनरल में ट्रैवल करें। ये जनरल क्लास का डब्बा आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया।
और ओनली 195 rupees में भी बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है. सो फिलहाल खाली है लेकिन फिलहाल खाली आगे पता नहीं क्या होगा, क्या होता है फिर भी अभी खाली है. अच्छा हम क्या बहुत ही कम पैसे में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना भी पड़ सकता है. सो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से अहमदाबाद साबरमती जंक्शन से खाटू श्याम के लिए. एग्जैक्ट टाइम टू टाइम 6:45 को ट्रेन उठी है हमारी. अभी हम डायरेक्ट कल सुबह उठ के आपको अपडेट्स देंगे. अभी हम सो जाएंगे. कहते हैं ना कि जब आपको बहुत ही बिलीव होता है, बिलीव कि भगवान पे आपको, तो ये इसका नतीजा ये मिलता है. देखो अभी हम जनरल बोगी की टिकट लिया हुआ है और जनरल गाड़ी पूरी खाली है. हमें लगता है हम पूरी रात सो के जाएंगे आराम से. बिल्कुल सही बात है, हम सो के जाएंगे इन जनरल. तो इसका मतलब लग रहा है कि हम पूरे भरोसे के साथ जा रहे हैं. सही बात ना रवि? सही बात है. हेलो एवरीबॉडी. सो अभी हम कम बजट में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम अपने घर से ही थोड़ा खाना लेके आए हुए हैं. अभी हम बहुत ही बढ़िया सा चावल लेके आए हुए हैं घर पे, घर से. तो ये वेजिटेबल पुलाव बाय तुषार भाई. तो अभी नाश्ता हो चुका है, हमने खाना खा लिया है और देखो अभी हम सोने की तैयारी है. 200 rupees में स्लीपिंग कोच का मजा ले रहे हैं इन जनरल. नहीं भाई, ओनली 195. हाँ ओनली 195. ओके, तो अभी हमारा खर्चा हो चुका है 195 plus 20 और 10 rupees की हमने मेहसाणा जंक्शन में मैंने चाय पी थी. तो अभी अपना खर्चा हो चुका है 215 rupees. हेलो एवरीबॉडी, अभी हमने नाश्ता कर लिया है, अभी हम सो जाएगी और अब डायरेक्ट कल सुबह उठ के मैं आपको अपडेट दूंगा रिंगास पहुंच के. हम तकरीबन 7 बजे रिंगास पहुंच जाएंगे. कितने बजे पहुंचेंगे रविराज जी? लगभग 6:30 to 7. ओके, कितना मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है. कम पैसे में भी बहुत बढ़िया ट्रैवलिंग हो रहा है. यही करना चाहिए. ये लोग एसी में जाते हैं, इसमें जाओ कभी मजा वो जगह है, जगह मिल गई इसके लिए अच्छा है. वही 195 rupees में हम सोते सोते जा रहे हैं. चलो एवरीबॉडी, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू सून. आ गया है मॉर्निंग फुलेरा जंक्शन. फुलेरा जंक्शन में अभी हम 10 rupees की एक चाय पियेंगे. तो हमारा टोटल बजट हो चुका है 195, 20 rupees और 20 अगेन चाय का. सो अभी हम उतर चुके हैं रिंगा जंक्शन पे. तकरीबन 7 बजे हमें हमारी ट्रेन ने पहुंचा दिया है. अभी यहाँ से जो खाटू श्याम जी बाबा का मंदिर है वो तकरीबन 5 kilometers है. तो हम यहाँ से मॉर्निंग वॉक करके जाएंगे क्योंकि हम पूरी रात सोए थे इसलिए हम मॉर्निंग वॉक करके जाएंगे. बराबर है ना? सही भैया, एम आई राइट? यस यू आर राइट. ओके, पैदल चलेंगे लगभग 5 kilometers के आसपास. सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम उतर चुके हैं रिंगस जंक्शन पे और तकरीबन 7 बजे के आसपास हम रिंगन जंक्शन उतरे हैं. और अभी हम यहाँ से हम जाएंगे वॉक करके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 3 या 4 kilometers के आसपास जो मंदिर पड़ता है. और बहुत ही बढ़िया वेदर है. क्या सोचते रवि, चल के जाना? चल के चलते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया वेदर है, गांव को एंजॉय करने जाएंगे. और सोचा नहीं था कि इतनी ग्रीनरी मिलेगी राजस्थान. बहुत ही बढ़िया वेदर है, देखो आप पीछे दिख रहे हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. अभी हम रिंगस जंक्शन पे उतर चुके हैं और यहाँ से तकरीबन 17 kilometers के आसपास जो हमारा जो धाम है खाटू श्याम जी महाराज, वहाँ पर इतना किलोमीटर है. तो अभी यहाँ से हम कोई ऑटो वाला या सस्ते वाला ऑटो रिक्शे वाले को ढूंढेंगे जो यहाँ से हमको मंदिर की ओर लेके जाए. और तकरीबन ट्रेन ने हमें 7 बजे तक पहुँचा दिया और बहुत ही बढ़िया रहा, पूरी रात हम सो के गुजारी है. रविराज जी फ्रेश हो ना? बिल्कुल. कैसा लगा ट्रेन की जर्नी में? बहुत ही बढ़िया बढ़िया मजा आएगा. तो अभी बस डायरेक्ट मंदिर में जाके आपको थोड़ा अपडेट देंगे. तो अभी हम रिंगस जंक्शन के स्लीपर वेटिंग रूम में वहाँ पे फ्रेश होके उसके बाद हम मंदिर के लिए निकल जाएंगे. बहुत ही बढ़िया जगह है और वेदर भी बहुत बढ़िया है. हेलो एवरीबॉडी, तो अभी हम कम बजट में ट्रैवलिंग कर रहे हैं
तो हमने मॉर्निंग के लिए भी अभी हमारे रविराज भाई है जो घर से बहुत ही बढ़िया थेपला लाए थे, तो हमने चाय और थेपला खाने का शुरू कर दिया है। तो हमारा नाश्ता का खर्चा भी बच चुका है, कल रात का डिनर का खर्चा भी बच चुका है, तो लगता है कि हम बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं। तो मैं आपको सबको इस वक्त बोलना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाएँ तो एटलीस्ट दो टाइम का नाश्ता घर से लेके जाएं। सो अभी हम टोटली फ्रेश वेश होके नाश्ता वास्ता करके खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और अभी बहुत ही बढ़िया वेदर है अभी रिंगज जंक्शन में। अभी हम यहाँ वेटिंग रूम में फ्रेश होने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर पे। रिंगज जंक्शन से थोड़ा इंक्वायरी करने के बाद पता चला है कि खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए दो अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है वो छोटी छोटी बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल से जाते हैं, उनका भाड़ा है 50 रुपये, और बस का भाड़ा है 30 रुपये। तो जो कि हम कम पैसों से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम बस प्रीफर करेंगे। तो हम अभी जो यहाँ पे ऐसी बसें लगती है वो बसों से हम ट्रैवल करेंगे। सो फाइनली हम आ चुके हैं खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर। ये पहला मेन एंट्री गेट है खाटू श्याम महाराज का। सो यहाँ पे जो खाटू श्याम जी महाराज है भगवान, उनको ये गुलाब चढ़ाए जाते हैं, तो हमने अभी गुलाब परचेस कर लिया है, 10 रुपये का एक गुलाब है। तो अभी एक लोकल भाई यहाँ मिले थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ 24 घंटे इतनी भीड़ रहती है, तो आप समझ सकते हो इसके हिसाब से कि बाबा जी खाटू श्याम बाबा की कितनी कृपा रहती है लोगों पे। बोला कि पूरी रात पूरे दिन एवरेज 24 घंटे तक यहाँ पे इतनी ही भीड़ देखे, आप देख रहे हो सब दर्शन करने लोग आ रहे हैं, तो काफी चमत्कारी बाबा है। इसका मौसम है, इसमें थोड़ी कम भीड़ दिखाई दे रही है, बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा थोड़ा गली वाला रास्ता है, बाजार से होकर रास्ता आता है, आपको बीच रास्ते में ऐसी प्रसाद की और वगैरह वगैरह छोटी छोटी दुकानें आपको दिखती रहेगी। सो ये मेन मंदिर का एंट्रेंस है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अभी ये है श्यामपुर। तो ऐसा माना जाता है कि पहले मंदिर जाने से पहले यहाँ पे आपको हाथ और पैर या ना भी सकते लोग थोड़ा करना बहुत जरूरी है। यहाँ ऐसा बोला जाता है कि यहाँ हाथ पैर धोने से अपने बॉडी के सारे जल चले जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं मंदिर जाने बॉडी पवित्र बोलते हैं ना कि बॉडी आपकी पवित्र हो जाती है। तो काफी अभी भीड़ लगी है, हम यहाँ नीचे आ चुके हैं, अभी हम भी थोड़ा पैर हाथ धोने के लिए जाएंगे। सॉरी, इसको धोना नहीं बोल सकते, ऐसे पवित्र हो जाते पवित्र हो जाते। खाटू श्याम मंदिर में जाने से पहले यहाँ हाथ मुंह धो के पवित्र होना जरूरी है, और यहाँ हमारे तुषार भाई पवित्र हो के आ चुके हैं, अब बारी है मेरी। मंदिर के प्रसाद के लिए 50 रुपये की प्रसादी है, ऐसी प्रसादी आती है अंदर मंदिर के चढ़ाने के लिए, और यह है प्रवेश द्वार। मंदिर का दर्शन का रास्ता शुरू हो चुका है, अभी हम ऑन द वे हैं। रविराज भाई जरा पीछे घूमो। जय खाटू श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये है ना वो एंट्री है, वहाँ से यहाँ से सब मंदिर में सब दर्शनार्थी लोग आते हैं और यहाँ से खाटू श्याम जी महाराज का दर्शन करते हैं और यहाँ से जाते बाहर आते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल में फोटो खींचना अलाउड नहीं है, मंदिर भगवान जी का फोटो नहीं खींच सकते, लेकिन देख सकते हो आप। फिर भी कई भक्तों बहुत की उनकी श्रद्धा के हिसाब से वो अपने हिसाब से वो ऐसे ही वो मोबाइल में फोटो खींच सकते हैं। तो ये भगवान का बहुत ही क्या बोलते हैं इसको प्रताप है। तो आप देख सकते हो अभी भी भक्त आ रहे हैं और
24 घंटे इतना भक्तों का सैलाब रहता है। तो बहुत ही बढ़िया मंदिर है और सबकी श्रद्धा भी बहुत अटूट है और यहाँ से पूरे इंडिया से कई अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। तो मैं भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी लाइफ में एक बार ये मंदिर में ज़रूर आइएगा, बहुत ही बढ़िया फीलिंग है और आपके जैसे ही आप दर्शन करोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जय श्री खाटू से। हमारी जर्नी बहुत ही बढ़िया रही, हमने खाटू महाराज जी का दर्शन भी कर लिया है और अभी तकरीबन 11 बज चुके हैं, बहुत ही दर्शनों की भीड़ रहती है यहाँ पे और बहुत ही चमत्कारी बाबा है। मैं सभी मेरे दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में जब भी टाइम मिले तो एक बार ये जगह पे जरूर आइए, बहुत ही पावरफुल जगह है और आपकी सारी मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। फाइनली हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं खाटू श्याम महाराज जी के, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं और यहाँ माई भक्तों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है और देख सकते हैं आप लोग कैसे कैसे प्रतिज्ञाएं करते हैं, लोग साथ साथ दंडवत प्रणाम करके भी यहाँ पे अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। तो खाटू श्याम महाराज जी का बहुत ही पावर है, देख सकते हैं आप पूरा साथ साथ दंडवत प्रणाम करके भाई यहाँ पे अपनी प्रतिज्ञा लेने के लिए आए हैं। बात बोलना चाहूँगा मेरे दर्शकों को, मुझे शायद ये सब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लोग यहाँ पे और कोई इनका इनकम ऑफ सोर्स है ही नहीं, यहाँ पे छोटी छोटी प्रसाद बेच के अगरबत्तियाँ या वगैरह वगैरह गुलाब बेच के वो जैसे सिर पे टीका लगाए वो बेच के अपना गुजरान के चला रहे, लेकिन वो आपको थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं, तो थोड़ा ये संभल के यहाँ पे चलिएगा। और कई वो लोग लेडीज है होती है वो आपको पैर पकड़ती है, आप मुझे बोल दो दोपहर खाना खिला दो शाम का खाना खिला दो, तो थोड़ा बहुत इश्यू यहाँ रहेगा लेकिन इसको इश्यू नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रोजगारी कुछ और है नहीं मंदिर के अलावा, यहाँ पे और कुछ नहीं है और कोई कमाने का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो लोग मजबूरी में शायद ये कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे सोच के रहिए। तो अभी हमारे दर्शन बहुत ही बढ़िया हो चुके हैं, हमने यहाँ से प्रसाद भी ले लिया है खाटू श्याम महाराज जी का। अभी हम यहाँ से खाटू श्याम महाराज से रिंगस जंक्शन जाएंगे, रिंगस रेलवे स्टेशन, सॉरी वो जंक्शन नहीं है, और वो हमारा पड़ेगा 30 रुपये में। और रिंगस जंक्शन से हम जाएंगे जयपुर के लिए, वो हमारी ट्रेन है तकरीबन 1 बजे की ट्रेन है रिंगस जंक्शन से जयपुर, जयपुर हमें 2:30 बजे उतारेगी। अभी हम रिंगस जाने के लिए ऑटो में बैठे हैं, हमारा जो ड्राइवर है शाम है वो बहुत ही एंजॉय वाले मोजी वाले ऐसे ऐसे भारी चीज बजाते हैं कि आपको आपको सुन के बहुत मजा आएगा। जंक्शन में पहुंच चुके हैं, हमारी ट्रेन यहां से 1:30 बजे से शुरू होगी और तकरीबन 2:30 बजे हमें जयपुर उतारेगी, उसका किराया 40 रुपये है जनरल टिकट का। और हमारे पास जयपुर से अहमदाबाद जाने के लिए दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि हम 8:30 वाली एक ट्रेन है जयपुर असरवा उसमें जाए, और दूसरा ऑप्शन है रात को 1:15 बजे की ट्रेन है गोरखपुर से आने वाली गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस। तो अभी हम जयपुर जाके थोड़ा बहुत घूमेंगे, वो भी अपने बजट में ही घूमेंगे, देखते हैं कि कितना पड़ता है और क्या प्लेसेस नज़दीक है रेलवे स्टेशन से घूमने के लिए, तो उसके हिसाब से हम आगे का प्लान करेंगे। तो मैं जयपुर जाके थोड़ा आपको और आगे इंफॉर्मेशन देता हूँ। हम रिंगास से बैठ चुके हैं अभी जयपुर जाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही क्राउड होने की वजह से हमें जो हमने टिकट डाउनलोड
अंडरटेकिंग ली थी, उसको जगह नहीं मिली, तो हम स्लीपर कोच में चढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करिएगा। वैसे तो मेरा एक घंटे का ही रास्ता है, इसलिए मैंने अपने कुछ एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे सिचुएशन टैकल करने की क्षमता ना हो तो आप प्लीज़ ऐसा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ये पनिशेबल ऑफेंस है और इसमें फाइन भी लग सकता है। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम पहुंच चुके हैं जयपुर रिंगा से, हम 1:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और हम पहुंच चुके हैं अभी 3 बजे जयपुर। तो अभी हमारे पास तकरीबन 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि हम 8:30 बजे वाली ट्रेन पकड़े और दूसरा ऑप्शन है कि रात को 9:30 बजे वाली ट्रेन पकड़े। तो अभी देखते हैं कि हमारा यहाँ का शेड्यूल क्या रहता है, उसके हिसाब से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी तक हमारे पास 480 रुपये हमने खर्च किया हुआ है, हमारे पास अभी भी ऑलरेडी 520 रुपये पड़े हुए हैं। उसमें से अभी 195 रुपीज बात करके और जयपुर से अहमदाबाद के टिकट का ट्रेन का किराया होगा 195, यानी हम समझ लो कि ऑलमोस्ट 700 रुपया हो जाएगा। और हमारे पास अभी 300 रुपये पड़ा है, 300 रुपये में हमको खाना भी खाना है और थोड़ा बहुत यहाँ जयपुर में थोड़ा बहुत घूमना भी है, तो इसके हिसाब से हम आगे प्लान करेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट, आमेर का किला, और हम ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ की मेट्रो में। जैसे हमारे अहमदाबाद में भी मेट्रो है, यहाँ पे भी जयपुर में बहुत अच्छी सर्विसेज है मेट्रो की, तो हम मेट्रो में ट्रैवलिंग करके जाएंगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना 25-30 रुपये जाने का और 30 आने का लगेगा, यानी समझ लो कि अपने 50-60 रुपये में तो पूरा एक किला जो आमेर का किला है वो देख के आ जाएंगे। तो मैं आपको उसके बाद अभी यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। सेम टू सेम ऐसा लग रहा है कि हम अहमदाबाद मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। हम मेट्रो स्टेशन में हवा महल जाएंगे, ओनली 12 रुपीज की टिकट लगी है, तो अभी भी हम अपने बजट में चल रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, आज हम बैठे हैं जयपुर पे, तो यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे अपने? अभी फिलहाल हम जा रहे हैं रोहित चौक, उसके बाद हम जाने वाले हैं हवा महल, उसके बाद देखेंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं, माइट बी हम आमेर फोर्ट जाने वाले हैं, अगर टाइम मिलेगा तो। ट्रैवल कर रहे हैं उतर चुके हैं। यहाँ थोड़ा घूमने के बाद अब जाएंगे आमेर के किले, और हमारे साथ एक भाई हमें मिल गए, यहाँ के लोकल बंदे। भाई आपका नाम क्या है भैया? राम। राम 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 भाई मिल गए हैं, वो हमें गाइड करने वाले हैं कि अभी आगे हम कहाँ जाएं। जयपुर में लोकल मिल गए हैं राम भाई ने हमें बहुत ही बढ़िया गाइड किया। अभी हमें हवा महल लेके आए हैं वो, और यहाँ से हम जाएंगे आमेर फोर्ट। तो राम भाई ने काफ़ी हेल्प किया, उसके लिए हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राम भाई। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हो इसको, ये है हवा महल। इसमें तकरीबन 953 खिड़कियाँ हैं, और ये महल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा हवा पे टिका हुआ है। इस पे एक भी पिलर कोई नींव नहीं है, कोई पिलर का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही अच्छा लगा देख के। हमने हवा महल देख लिया है, अभी हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट, और वो पर पर्सन ओनली 15 रुपीज़ है बस में, तो वो भी हमारे बजट में ही है, तो स्टिल वी आर इन अवर लो बजट। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, आप पूरा वीडियो प्लीज़ एक भी मोमेंट मिस मत कीजिएगा इस वीडियो का। हेलो एवरीवन, अभी हमने जस्ट हवा महल विजिट किया हुआ है, तो अभी हवा महल से हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट, और यहाँ से तकरीबन ओनली बसेस में जा रहे हैं, तो आपको 15 रुपये में पड़ेगा, और काफ़ी वेदर भी बहुत बढ़िया है। जब भी आप ऐसी कोई जगह पर जाओ तो लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो अभी आपको मैं आगे की वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि आमेर में क्या क्या चीज़ है उसके लिए। भाई ये क्या बना हुई चीज़ है भाई, बहुत गजब चीज़ है भाई। अभी शायद मैं आपको दिखाऊंगा तो इतना अच्छा दिखेगा नहीं, अब देखो सिर्फ व्यू देखो, क्या किला है भाई। ये है आमेर फोर्ट, जो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया हुआ था। ये
मेरे पीछे भी है और मेरे यहाँ एग्जिट दोनों साइड किला हुआ है, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जगह है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम अभी भी अपने स्टिल वी आर इन अवर लो बजट जर्नी, अभी भी हम अपने बजट के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया ट्रैवल हो चुका है अभी तक। तो अभी हम तकरीबन एक घंटे से आमेर के किले में घूम रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट पे, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। मुझे तो यही सोच रहा हूँ कि इतने साल पहले इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन कैसे किया है। और ये है एंट्री गेट जयगढ़ फोर्ट का। भाई साहब सच में बहुत ही बनाने वाले ने एक बार जबरदस्त किला बनाया है नंबर फोर्ट। सच में आप जयपुर घूमने आए तो नंबर फोर्ट की जरूर विजिट करें। तीसरा प्लेस है जल महल, आपको वीडियो में दिख रहा होगा जल महल, ये पूरा महल है वो पानी के अंदर है। और दूसरे दिन वाले नीचे आज आसपास से यानी झील है ना शायद इसमें, हाँ ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो महल है वो दो मंजिला नीचे पानी है और यहाँ तक कोई जा सकता नहीं है। बहुत ही बड़ी जगह है, ये भी अच्छी जगह है। आज हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी तीन जगह कंप्लीट किया है। सबसे पहले हम हवा महल गए थे, उसके बाद हम आमेर फोर्ट गए और अब तीसरा है जल महल। यू कैन सी दिस जल महल, बहुत ही बढ़िया ब्यूटी के साथ जल महल दिखा। हमारे सारे के सारे डेस्टिनेशन खत्म हो गया है, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट तीन पॉइंट कवर किया है जयपुर में, फिर भी हम हमारे जो 1000 रुपीज वाला बजट है उसके अंदर ही अभी भी चल रहे हैं। अभी हम यहाँ से जयपुर रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ पे खाना खाएंगे पेट भर के और उसके बाद में ट्रेन पे चढ़ के सो जाएंगे। ये बजट के अंदर ही वो भी बजट के अंदर ही रहेगा। तो मैं पूरा आपको अभी ट्रेन में बैठ के आपको मैं पूरा डिटेल्स शेयर करूंगा कि कहाँ पे कितना खर्चा हुआ। अभी हम पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन, यहाँ से हमारी ट्रेन है 8:45 की और हमें दूसरे दिन उतारे कल सुबह 8 बजे असारवा जंक्शन अहमदाबाद। थोड़ा प्लान में हमने चेंज किया है, पहले हमारी ट्रेन रात की थी गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस, वो तकरीबन 12:45 के आसपास थी, लेकिन हमने थोड़ा प्लान चेंज किया है कि हम जल्दी फ्री हो गए तो हम ट्रेन जल्दी वाली ट्रेन पकड़ रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने बात किया था हम बजे में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हमारा जर्नी रहा है। अभी हम जयपुर जंक्शन के एग्जिट सामने हम हमारा डिनर कर रहे हैं और हम दाल बाटी खाएंगे क्योंकि राजस्थान की दाल बाटी बहुत फेमस है और इसका नाम है रूप वसन पवित्र भोजनालय। बहुत ही पब्लिक देख के मुझे लगा कि अच्छा खाना होगा, अभी खाने के बाद खाना खाने के बाद टेस्ट करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, मैंने जस्ट अभी हिसाब किया है तो हमारा बजट है उसमें से अभी 300 रुपये भी हम प्लस में चल रहे हैं, हमारे पास 300 रुपये भी और पड़े तो उसमें से हम 150 रुपये की दाल बाटी खाएंगे, उसके बाद भी हमारे पास 150 रुपये बचे रहेंगे तो शायद उसमें हम रात को थोड़ा बहुत चाय पिएंगे और 20-30 रुपये 40 रुपये अपने को जहाँ से असरवा अहमदाबाद उतरेंगे तो वहाँ भी एयरटेल जाने को भी लगेंगे। तो बहुत ही बढ़िया जर्नी रही हमारी, हमको 1% भी ऐसा नहीं कि हमने बहुत कंजूसाई किया हो या फिर ऐसा कुछ किया हो। दाल बाटी हमारी आ चुकी है, बहुत बढ़िया डिश है। बहुत बढ़िया है भाई, देख लो इसका प्राइस है 150 रुपये। सो अभी हम खाना शुरू करेंगे, हमारी ट्रेन 8:45 की है तो हम जल्दी खाना खा के फटाफट स्टेशन पहुँच पाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम कल रात को जयपुर जंक्शन से रात को 9 बजे ट्रेन में बैठ गए थे और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ऑलरेडी हिम्मत नगर आ चुका है और अभी 8:30 बजे के आसपास असारवा जंक्शन आएगा, उसके बाद अभी हमें बहुत
बढ़िया रहा और रात को अच्छी नींद भी आई, बारिश सर्दी थी गुजरात में। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो हमारा सफर का यही अंत होता है। अभी हम उतर चुके हैं अहमदाबाद के असारवा जंक्शन पे। रात को उठे थे, रात को तकरीबन 9 बजे ट्रेन में बैठे थे, अभी 8:30 बजे अहमदाबाद उतर चुके हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि पूरा का पूरा ट्रिप एंजॉय करने के बाद भी अभी हम 100 रुपये प्लस पे चल रहे हैं, यानी जो हमारा टारगेट था 1000 रुपीज में ट्रैवलिंग, तो उसको उस करके भी अभी हम 100 रुपये प्लस में चल रहे हैं। 130 रुपये बचे थे तो उसमें समझ लो कि 2-3 चाय पी थी, और अभी समझ लो कि और 20-30 रुपये भाड़ा लगेगा जाने का। तो ऑल ओवर हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही, बहुत ही मजा आई। हमने 1% भी कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कंजूसी किया हुआ है, हमने सब जगह पे प्रॉपर जितना बजट होना चाहिए उतना ही बजट यूज किया है, और बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने लगे आप सभी दर्शकों का खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो हमारे जो खाटू श्याम महाराज की ट्रिप थी उसका मैंने पूरे ट्रिप में खर्चा भी डाल दिया है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एवरीवन।